श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। गुरु की मृत्यु के बाद हम समझते हैं कि हमारे गुरु कहीं चले गए हैं, अब हम बेसहारा हो गए हैं, अब हम क्या करें। पर ऐसा नहीं होता, वे तुम सभी में पूरी तरह जीवित होते हैं। आदि गुरु शिव से लेकर घास के साधारण से तिनके तक संपूर्ण विश्व श्री नित्यानंद है। तुम चाहें किसी भी आश्रम के, किसी भी धर्म के या किसी भी देश के हो, यह स्मरण रखो कि सभी देश, सभी आश्रम, सभी धर्म तथा वर्तमान में जो भी है या नहीं है और भविष्य में जो कुछ भी घटित होगा, वह सब नित्यानंद की ही लीला है और कुछ नहीं। आत्मा में दृढ़ विश्वास के साथ मैं पुनः कहता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अच्छा है और ना ही कोई बुरा है। सब कुछ नित्यानंद की ही लीला है। इस लीला को भली भांति समझ लो। बाह्य रूप से कोई अज्ञानी या विद्वान, धनी या निर्धन हो सकता है, परंतु आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं है। आत्मा में कोई फेर बदल कैसे कर सकता है? यदि तुम ऐसा कुछ देखते हो तो यह समझ लो कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि दैनिक जीवन में मैं भेद देखता हूँ, पर मेरी दृष्टि समस्त भेद से परे है और नित्यानंद का मूर्त रूप है। यह मेरे दृढ़ विश्वास है कि संपूर्ण विश्व और कुछ नहीं, भगवान नित्यानंद ही है। विश्व नित्यानंद का है और वे ही विश्व बन गए हैं। वे विश्व में तथा विषातीत दोनों हैं। यह भगवान नित्यानंद द्वारा मुझे प्रदत्त दिव्य दृष्टि है। मेरे हृदय का यह दृढ़ बोध है, यही परम सत्य है। अपने प्रिय श्री गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा के लिए मैं उनके प्रति प्रकट प्रेम व कृतज्ञ से भरा हुआ हूँ। उनकी कृपा के बिना मेरी यात्राओं में कुछ भी नहीं हो पाता। जब से मेरे गुरुदेव ने प्रकाश रूप में, चित्त शक्ति के रूप में मेरे अंदर प्रवेश किया है, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। भले ही उनका पार्थिव रूप अब नहीं है, मेरे ध्यान व स्वप्न में प्रकट होकर मुझे संदेश देकर जीवन के हर सोपान पर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। वे हर प्राणी एवं पदार्थ में चिति के प्रकाश के रूप में सदैव प्रकट होते रहते हैं। यद्यपि बिना किसी संकोच के मैंने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया है, फिर भी उनकी अक्षय कृपा की तुलना में यह नगण्य है। कभी कभी जब मैं एकांत में अपने कमरे में उनका चिंतन करता हूँ तो प्रेम के नशे में गाने और नाचने के लिए विवश हो जाता हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं उनकी कमी महसूस करता हूँ, तो मैं कहता हूँ हाँ भी और नहीं भी। मैं उनकी कमी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि एक सच्चे अस्तित्व के रूप में वे मेरे भीतर जीवित हैं। फिर भी मैं उनकी कमी महसूस करता हूँ, क्योंकि ये भौतिक चक्षु अब उनके मनोहर रूप को नहीं देख सकते। क्या ही सुंदर तेजस्वी रूप था उनका। उनकी हुंकार करती हुई आवाज, मंत्र शक्ति से स्पंदित उनकी श्वास, उनकी लंबी तिरछी उंगलियां, उनकी वह हंसी जिससे उनका पेट हिलता था, उनकी शक्तिपूर्ण दृष्टि, उनकी हाथी जैसी चाल, उनकी सरलता पर मोहक मुस्कान, उनके गहरे परंतु मीठे खर्राटे, उनकी गूढ़ वाणी, ये सब मेरे हृदय पर ऐसे अंकित हो गए हैं कि वे अमिट हैं। ईश्वर के इस प्रकट रूप को निहारते हुए मैं अपना संपूर्ण जीवन बिता रहा हूँ। अपने आप को संतना देने के लिए मैं हर जगह उनके चित्र देखता रहता हूँ। उन्होंने सभी रूप धारण कर लिए हैं, वे तुम सभी में पूरी तरह जीवित हैं। जब वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ करते हैं, तो दूसरा और कौन है जिसे मैं धन्यवाद दूं?
फिर भी तुम ही सब हो जिन्होंने इतने शुद्ध माध्यम बनकर स्वेच्छा से सेवा करते हुए सिद्ध योग की ओर तक पहुंचाने के कार्य को इतना सफल बना दिया है। तुम सबने इतनी लगन से कार्य किया है कि असंभव को भी सच्चाई में बदल दिया है। मैं जहां भी गया वहां तुमने एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया। अपने बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जिस चीज की भी जरूरत थी तुम्हारे प्रेम ने मुझे वह सब कुछ उपलब्ध करा दिया। जब मैं विचार करता हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है तो जानते हो मेरे गालों पर कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। ईश्वर के अनंत प्रेम को तुम सभी में साकार होते हुए देखकर बहुत आश्चर्य होता है। मैं एक बात तुमसे कह सकता हूँ कि मैं अन्न पानी के बिना जी सकता हूँ, जीवन की अन्य जरूरतों के बिना मैं जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम के बिना नहीं जी सकता। वह प्रेम ही मेरा संपूर्ण पोषण है। अपनी करुणा से मेरे बाबा ने मुझे प्रेम के सागर में डुबो दिया है। जैसा कि नारद जी ने कहा है, प्रेम अमृत है। तुमने मुझे प्रेम दिया और मैं बदले में प्रेम ही दे सकता हूँ। हे मेरे प्रिय परम प्रिय नित्यानंद, क्योंकि मेरे पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। जय भगवान नित्यानंद।